ખબરમાં આગુ ભાળવો, વાત કરવો બાલોદ કે, જ્યાં રેલવે કતિલે અવૈધ જમીન ખાલી કરી કે નોટિસ મિલે કે બાદ હડબડાય ગ્રામીણ મન પહોંચીસ કલેક્ટર. દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવે બાલોદ ડિવિઝન કતિલે ગ્રામ ઈરાગુડા કે 14 પરિવારલા અવૈધ કબજા જમીન ખાલી કરી કે નોટિસ મિલે કે બાદ હડબડાય ગ્રામીણ મન કલેક્ટરેટ પહોંચ કે કલેક્ટર રાનુ સાહુલા જ્ઞાપન સોંપીસ. इधर कहना है कि इमन यहाँ 35 बछर ले निवास करत है. इमनला राजस्व विभाग कतिले पट्टा घलो मिल चुके है. साथ ही दो परिवार हा ए जगह मा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान घलो बनवा डरे है. हमारे पास पट्टा रखाया है और रेलवे द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपका जमीन अवैध है करके, जबकि वो अवैध नहीं है. और इस संबंध में हम लोग समस्या लेके कलेक्टर मैडम के पास आए थे. मैडम बोली है कि छानबीन होगा, आपके तहसील और SDM आके छानबीन करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ किया जाएगा. इससे करके हम लोग ईरागुड़ा से आए हैं. जी, हमारे घर ला रेलवे द्वारा अवैध बोले जाते, तो वही संबंध में आए हैं कि हमारे घर तो 35 साल से पट्टा रखा है, पंचायत द्वारा दे गए है, लेकिन अभी वर्तमान में 10 तारीख के रेलवे द्वारा नोटिस दे गए है कि हमारी जमीन अवैध है करके. तो हमन वही अपन जो भी संबंध में कलेक्टर मैडम के पास आए रहे, अपन आवेदन रखे हैं. पर हमन ला तो 35 साल हो गए. हाँ, पट्टा है ना हमारे पास, पट्टा पंचायत द्वारा और तहसीलदार के द्वारा दिया गया है. नोटिस रेलवे द्वारा दे गए है. नोटिस 10 तारीख को मिला है. मैं रेलवे का समस्या लेकर आई हूँ. घर रेलवे लाइन में है, तो रेलवे लाइन बोल रहे हैं कि अवध कब्जा कर ली हो करके. तो उसी संबंध से हम कलेक्टर मैडम के पास आए हैं अपनी समस्या हल करने के लिए कि हमारा अधिकार दिलाओ करके.